हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम एंड वेलकम टू माय किचन। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है इडली का बैटर। तो मैं आज इडली के बैटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, वो फुली हुई सी वाइट परफेक्ट इडली जो आप हमेशा से बनाना चाहते थे। अगर आप छोटे छोटे से टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। सेम बैटर से आप उत्तपम और डोसा भी बना सकते हैं, आपका डोसा भी एकदम क्रंची बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, 4 कप चावल लिए हुए हैं। चावल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स करके साथ में ही भिगोंगी। ध्यान रखना है आपको धोना बहुत अच्छे से है, अगर दाल चावल अच्छे से धोएंगे नहीं तो इडली का कलर अच्छा नहीं आता है। तो चलिए एक साथ मिक्स करके मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने यहाँ दाल चावल को बहुत अच्छे से धो लिया है, 5 से 7 बार धोया है जिससे सारा गंदा पानी निकल गया है। इसके बाद मैं इसे 5 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। भिगोने के टाइम पे बहुत से लोग मेथी दाना भी डालते हैं, मैं मेथी दाना नहीं डालती क्योंकि उससे बैटर बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है और वो खट्टा हो जाता है। मुझे खट्टी इडली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, इडली बिल्कुल भी खट्टी नहीं बनेगी। दाल चावल को भिगोए हुए यहाँ पर 5 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से भीग गया है। देखिए दाल बिल्कुल फूल गई है। तो चलिए इसका पानी पूरा निकाल देते हैं और इसके बाद में हम इसे पीस लेंगे। मैं यहाँ दाल चावल मिक्सी में ग्राइंड करने वाली हूँ। मिक्सी में ग्राइंड करने के टाइम पे अक्सर क्या होता है, हमारी मिक्सी है वो ट्रिप हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी हम ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने के टाइम पे हमें ठंडा पानी यूज़ करना है। फ्रिज का रखा हुआ पानी डालने से आपका जार गर्म नहीं होगा और आपकी मिक्सी ट्रिप नहीं होगी, उससे बैटर बहुत अच्छा बनता है। और ध्यान रखना है एक साथ पूरा जार भर के आपको नहीं पीसना है, 2-4 बैच में डाल के और अच्छे से ग्राइंड करेंगे। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी डाल के भी नहीं पीसना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इडली के लिए हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए होता है। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो बैटर ग्राइंड हो गया है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको आपकी फिंगर से टच करके देखना है, अगर आपकी फिंगर में से वो चिकना लगता है तो आपका बैटर रेडी हो गया है, उसमें दाने नहीं होने चाहिए। तो मैं इसे अब एक बोल में पलट लेती हूँ। देखिए कितना फ्लफी बैटर बना है, आप देख सकते हैं क्रीम की तरह है बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और उससे भी कम होना चाहिए। नमक डालने के बाद में मैं बैटर को बहुत अच्छे से फेटूंगी। फेटने के लिए अगर आप अपने हाथ का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे बैटर बहुत अच्छा बनता है। तो मैं बैटर को बहुत अच्छे से फेटना है और फेटने के बाद मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए रखूंगी, जिससे बैटर बहुत अच्छा फॉर्मेट होगा। आप पूरी रात भी रख सकते हैं और सुबह में इडली बना सकते हैं।
अब मैं स्टीम करने जा रही हूँ इडली, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है जिससे इडली आसानी से निकल आएगी। अब इसमें बैटर डाल देते हैं। बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो फूल के पेट में फैल जाएगा। स्टीमर में पानी गर्म हो गया है, तो चलिए हम इडली स्टीम कर लेते हैं। इडली को हमें 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करना है, तो चलिए इसे ढक देते हैं। मुझे 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने नाइफ डाल के देखी है, एकदम क्लीन आ रही है, इसका मतलब हमारी इडली रेडी हो गई है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। इडली को निकालने के लिए स्पून को पानी में भिगोना है, और इसके बाद में अगर निकालेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन निकलता है और बहुत अच्छे से निकल जाती है। देखिए, इडली निकाल लिए हैं, देखिए सर्व करने के लिए रेडी है अब ये। तो फ्रेंड्स, हमारी इडली बनके रेडी हो गई है, और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है, इसका टेक्सचर देखिए एकदम परफेक्ट है। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।